hello students how are you today we will start class fifth english the second chapter is ali baba and the forty thieves in the previous video we read the chapter and find out the difficult words so now today we will discuss about the question answers first where did Alibaba hide himself ali baba ne apni apko kyun chupaya ali baba hidden himself बिकॉज अ गेंग ऑफ़ फ्रॉबर्स रिटर्निंग टू द ऑयसिस विथ ट्रेजर अली बाबा ने अपने आप को इसीलिए छुपाया क्योंकि वहाँ पर चोरों का एक गिरोह खजानों की बोरी लेकर रेगिस्तान में लौटा था सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड अली बाबा गो टू द आइसिस अली बाबा रेगिस्तान में क्यों जाता था अली बाबा वॉज अ पुअर वुड कटर वह एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था ही यूज टू कट वुड एंड आइसीज वह वहाँ पर लकड़ियाँ काटने के लिए जाता था थर्ड इज वेन डिड द रोक ओपन चट्टान कब खुली द लीडर ऑफ द गैंग जब चोरों के सिपाही ने सेट द वर्ल्ड ओपन सीसेम द रोक बिगिन टू ओपन जब चोरों के सिपाही ने खुलजा सिम सिम कहा तो चट्टान खुलनी शुरू हो गई फोर्थ इज वट काइंड ऑफ अ मैन वॉज अली बाबा अली बाबा किस तरह का आदमी था अली बाबा वॉज अ काइंड एंड जनरस मैन वह बहुत ही दयालु और दानी था वट डिज अली बाबा डू विद द ट्रेजर ऑफ द फोर्टी थीव्स अली बाबा उस खजाने का क्या करना चाहता था जो उसने चालीस चोरों से चुराई थी ही यूज द मनी ही गॉट फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ द फोर्टी थीव्स वह उस मनी को जो उसने चालीस चोरों के खजानों से चुराई थी टू हेल्प हिज फ्रेंड्स इन नीड अपने मित्रों की सहायता करना चाहता था जिसकी उसको जरूरत थी नाउ वी डिस्कस द फीलिंग ब्लैंक्स फर्स्ट अली बाबा नेवर डैश टू दईसिस अगेन अली बाबा कभी भी रेगिस्तान में वापिस नहीं गया सेकेंड द रोक डैश ओपन चट्टान इमीडिएटली ओपन चट्टान तुरंत खुल गई अली बाबा रिमेन डैश अली बाबा रिमेन हिडन फोर्थ इज़ इट वॉज अ डैश ऑफ रोबर्स इट वॉज़ आ गैंग ऑफ रोबर्स चोरों का एक गिरोह था फिफ्थ इज़ अली बाबा डैश अंटिल द हॉर्स मैन हैड रिडन अवे अली बाबा ने वेटडिल दॉर्स मैन हैड रिडन अवे अली बाबा ने तब तक इंतज़ार किया जब तक घुड़सवारी वहाँ से नहीं चले गई Thank you students, have a nice day and write the question answers on a few copies.